नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। प्रधानमंत्री मोदी आज सदन में एक बार फिर से विपक्ष को घेरते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि आज संसद सत्र का, बजट सत्र का आखिरी दिन है और मोदी सरकार द्वारा बजट का भी आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर काफी कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री विपक्ष को अपने घेरे में ले सकते हैं। जब सदन का बजट सत्र शुरू हुआ था तो देखा गया था कि सभी मंत्री, बीजेपी सरकार के जितने भी मंत्री आए थे, उन्होंने राम नाम की जो गूंज थी वो संसद तक सुनाई दी थी। राम नाम को लेकर एक बार फिर से आज विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी घेर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है कि 22 जनवरी को हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस हो या विपक्ष के कई नेता अयोध्या नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर लगातार देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष बीजेपी हो या फिर बीजेपी लगातार घेरती हुई विपक्ष को नजर आती है। बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे मंदिर जाना है लेकिन मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। सोनिया गांधी की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, तो उन्होंने प्रस्ताव, जब राम मंदिर का न्योता उन्हें आया था तो उन्होंने कहा कि हम मंदिर जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी को हम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी इसे अपना राजनीतिक मुद्दा बना रहा है और हम ऐसे किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे जिसमें बीजेपी अपना राजनीतिक स्टंट दिखा रहा हो। तो आज भी माना जा रहा है कि जब आज आखिरी दिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी का अभिभाषण शुरू होगा तो एक बार फिर से विपक्ष के लिए मुश्किलों का सामना होना पड़ेगा। उनको फिर से एक बार सुनना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री लगातार, अगर बात की जाए सुरक्षा की, जीडीपी की, तो इस बार भी मोदी उनको घेरते हुए नजर आ सकते हैं। तो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसको बीजेपी ने एक टैगलाइन दे रखा है, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो भी देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर क्या कुछ और राजनीतिक स्टंट करते हैं या फिर सदन में क्या कुछ बोलते हैं। अभी देखा गया था कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था तब संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने, जब बजट सत्र पेश किया गया था, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, जिसके बाद मोदी ने अभिभाषण के दौरान विपक्ष को घेरा था। उन्होंने कहा कि हमेशा से विपक्ष भारत को कमजोर करता आ रहा है, वो विकसित भारत बनने नहीं देना चाहता है, जिसको लेकर आज भी ये कयास लगाया जा रहा है, लगातार कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी विपक्ष को घेरते हुए नजर आ जाएंगे। और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के सत्र में ये देखा जा रहा है कि लगातार जब जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जब गठबंधन होने की जो कयास लगाई जा रही थी, उस पर भी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने अब पूरी तरह से अंकुश लगा दिया। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं जा सकता हूँ, एनडीए के साथ गठबंधन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मुझे भी नेता बनना है, हो सकता है कि मुझे भी इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, मेरी भी पार्टी उभर के बाहर आए। तो एनडीए में जाने का जो कयास था लगातार, वो भी देखा जा रहा है, तो जिसको लेकर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ था जयंत चौधरी को लेकर, कल का पूरा सदन हंगामे भरा था। तो आज भी देखने वाली बात होगी कि आज आखिरी दिन जब प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे तो वो किस मुद्दे पे बात करेंगे। अभी राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसको लेकर वो धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेंगे, तो क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को लेकर बोलते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और कयास ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी आज कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ ऑन 9 न्यूज़ पर। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, ऑन 9 न्यूज़ लखनऊ।